अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा ने शिकागो में अपना आखिरी भाषण दिया। भाषण की शुरुआत में ओबामा ने खुद को एक बेहतर राष्ट्रपति बनाने के लिए अमेरिकी नागरिकों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पत्नी और बेटी का जिक्र करते हुए ओबामा के आंसू भी छलक पड़े। ओबामा ने कहा कि बीते 25 सालों से तुम सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चों की माँ नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी। तुमने मुझे गर्व महसूस कराया, तुमने देश को गर्व महसूस कराया। मालिया और शासा का जिक्र करते हुए ओबामा ने कहा, मैंने जिंदगी में जो भी किया लेकिन सबसे ज्यादा गर्व तुम दोनों के पिता होने का है। इस दौरान ओबामा ने नाम लिए बगैर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नस्लवाद व्यवहारिक नहीं है। हमने बीते 8 सालों में कभी भी मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं किया। हमें शिक्षा स्वास्थ्य से भेदभाव खत्म करना होगा, यही हमारा संविधान है। नस्लीय भेदभाव समाज के लिए हमेशा विभाजनकारी साबित होता है। ओबामा ने लोगों से सहिष्णु होने का आग्रह किया और कहा कि लोकतंत्र ही अमेरिका की ताकत है और यही वजह है कि चीन और रूस जैसे देश दुनिया में अमेरिका की जगह नहीं ले सकते। तो 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आज अपना अंतिम भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से एकजुट रहने की अपील की और साथ ही साथ ISIS के खात्मे की बात भी दोहराई। देखते रहिए डीपी लाइव।